विधानसभा चुनाव के पहले जनपद की पुलिस स्वाट व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब, ढक्कन व QR कोड बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों पर आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही है। एडिशनल SP राजेश कुमार ने बताया कि बिंदकी पुलिस बल के साथ वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बिंदकी कोतवाली के ललौली रोड स्थित फरीदपुर मोड़ के समीप से 2 मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को 2 जरीकेन में अपमिश्रित शराब के साथ देशी व अंग्रेजी शराब के ढक्कन और QR कोड बरामद किया है। पकड़े गए तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस की सूचना पर स्वाट और आबकारी विभाग की टीम के साथ गांव छोटे लाल पुरवा स्थित एक खंडहर से 2 तस्करों को 9 अदद ड्रम व 2 जरीकेन में 2030 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब पुलिस ने बरामद किया है। ठेका मालिक और उसके पुत्र की मदद से अपमिश्रित शराब में यूरिया मिलाकर तैयार कर बिना QR कोड के धोखाधड़ी कर सरकारी रेट में शराब की बिक्री करता है। पुलिस ने वहां से अवैध शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। जो महोदय के निर्देश पर शराब अवैध शराब की बरामदगी के संबंध में उस निर्देश के तहत पूरे जनपद में चेकिंग कराई जा रही थी, तो बिंदकी पुलिस के द्वारा थाना बिंदकी थाना क्षेत्र में ही फरीदपुर मोड़ के पास में 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए रुके गए और उनके पास में जर्किन में करीब 50-50 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब बरामद हुई। उनसे पूछताछ की गई कि ये शराब कहाँ से ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सरकंडी चौकी है, उसी के पास खंडहर में ये बनाई जा रही है। तो तत्काल ये लोग इनको लेकर के वहाँ पर पहुँचे तो 2 व्यक्ति और मिले जो खंडहर में अवैध शराब बनाते हुए पकड़े गए और ये करीब 12,000 ढक्कन और करीब 4700 बार कोड भी बरामद हुआ है और 2030 लीटर की शराब की बरामद की गई है। यह पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।